हरियाणा शिक्षा बोर्ड की ओर से आदेश आते ही सरकारी स्कूलों को विद्यार्थियों के लिए खोल दिया गया है। इंद्री के सरकारी स्कूल के अंदर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें जगह जगह पर नोटिस लगाया गया है। स्कूल के गेट पर ही हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था की गई है। वहीं पर क्लासरूम में भी डेस्क की विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें सोशल डिस्टेंस का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। टॉयलेट और अन्य प्रकार की सुविधाएं भी विद्यालय में देने का प्रयास स्कूल प्रबंधक की ओर से किया जा रहा है। इस बारे में स्कूल की प्राचार्या रमापुरी ने बताया कि सरकार की ओर से आदेश है कि जो बोर्ड की कक्षाएं हैं, उनके विद्यार्थी यदि वह शिक्षा संबंधित कोई भी जानकारी एवं शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो वह स्कूल में आकर शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन हिदायत जो स्वास्थ्य विभाग और सरकार की ओर से दी गई है उसका पालन विद्यार्थियों को करना होगा। उन्होंने कहा कि स्कूल में हर प्रकार की व्यवस्था देने का प्रयास किया गया है ताकि बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रह सके। उन्होंने कहा कि बोर्ड की कक्षाओं के लिए फिलहाल शिक्षा विभाग की ओर से अनुमति दी गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभिभावक फिलहाल अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए राजी नहीं है, जिस वजह से आज पहले दिन स्कूल परिसर में एक भी बच्चे ने प्रवेश नहीं लिया। उन्होंने कहा कि स्कूल में एडमिशन व अन्य काम के लिए विद्यार्थी आ रहे हैं। के आदेशानुसार 21 तारीख को बच्चों को स्कूल में बुलाया गया है, और सिर्फ उन्हीं बच्चों को बुलाया गया है जिनको किसी प्रकार की कोई समस्या है, किसी प्रकार की क्वेरी या डाउट है। और इस संदर्भ में हमने विद्यालय में सभी चीज़ों का, हमारा जो प्रोटोकॉल है हमारी सरकार के द्वारा, WHO के द्वारा, ICMR के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं COVID-19 के तहत, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना और मास्क लगाना, रेगुलर सैनिटाइजेशन और एक दूसरे से संपर्क कम करना, इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है। और विशेष रूप से हमने क्लास वाइज एक स्पेशल मार्क रखा है कि हर बच्चे जो हैं, सपोज ए सेक्शन है तो उसको ब्लू कलर, बी है तो उसको येलो कलर, इस तरह से हमने कलर जो हैं वहाँ पर आइडेंटिफाई किए हैं ताकि एक क्लास दूसरे से इंटरमेंगल ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का जो हमारा रूल है उसको वो फॉलो कर सकें, उस गाइडलाइंस को फॉलो कर सकें। इसलिए हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमने आज विद्यालय में बच्चों के लिए एक एंट्री दी है, और ताकि उनकी पढ़ाई आगे थोड़ा सा सुचारू रूप से चल सके, किसी प्रकार की उनकी समस्या है उसका समाधान हमारे अध्यापकगण कर सके। और इस संदर्भ में हमारे विद्यालय के सभी टीचर्स ने बहुत अधिक सहयोग दिया, विशेष रूप से वेदपाल जी, सरला जी और जो भी अन्य हमारे स्टाफ सदस्य हैं, संपूर्ण सहयोग दिया और जो भी सरकार के रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको सही तरीके से फॉलो किया गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभिभावक अभी इंटरेस्टेड नहीं हैं, इसलिए मुझे अभी तक तो कोई बच्चे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं कैंपस में। सिर्फ जिन बच्चों ने दाखिला लेना है या कुछ और कार्य है वही बच्चे विद्यालय के अंदर आ रहे हैं, अदरवाइज़ स्टडी के लिए अभी तक तो मुझे विद्यालय में कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा। इससे यह प्रदर्शित होता है कि अभिभावक अभी भी कोरोना को लेकर थोड़ा सा आशंकित हैं। आज मैंने एज ए ट्रायल बेस से बोर्ड की क्लासेस ही बुलाई हैं, क्योंकि बोर्ड की क्लासेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहती हैं और उनको थोड़ा सा अवेयर भी होना चाहिए अपनी शिक्षा के प्रति। तो मैं बोर्ड की क्लासेस से शुरू कर रही हूँ, धीरे धीरे इस प्रोसेस को आगे ले जाया जाएगा। थोड़ी सी और स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बच्चों से संपर्क करेंगे कि अगर वो आना चाहते हैं अपने अभिभावक की अथॉरिटी लेटर लेकर वो विद्यालय में आ सकते हैं अगर उनके अभिभावक उनको भेजना चाहते हैं। तो हमारी तरफ से पूरी छूट है, डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी छूट है, सरकार की तरफ से पूरी छूट है कि अब बच्चे जो हैं रेगुलर नहीं बल्कि कुछ भी समस्या को लेकर विद्यालय के अंदर आ सकते हैं। गाइडलाइन कोरोना टेस्ट की तो नहीं आई है, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हमने जो हैं वहाँ पर इंस्ट्रक्शन बोर्ड्स पे क्लासरूम में हैंग कर दिए हैं ताकि वो उनको फॉलो करें, एक दूसरे की चीज़ें एक्सचेंज नहीं करना और एक दूसरे के साथ इंटरमेंगल नहीं होना, किसी चीज़ को शेयर नहीं करना, बुक्स या स्टेशनरी का जो भी है वो नहीं करना, और प्रॉपरली हमने अपने टॉयलेट्स की हाइजीन की तरफ भी बहुत ध्यान दिया गया। हमारे पूरे स्टाफ ने इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग किया है, बहुत ही साफ सुथरे हमारे टॉयलेट हैं आज की डेट में, ताकि बच्चों को किसी भी तरह का कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम ना हो विद्यालय में आकर।
हमारी पूरी कोशिश ये है कि कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हमारे विद्यालय में आने के बाद बच्चों को ना हो। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।